स्क्रीन का प्राइस है 11,990 रुपए। रियलमी का गाइस सबसे बेस्ट है क्योंकि छोटा छोटा पार्ट्स का भी यह प्राइस दिखा देता है। तो आज मैं आपको ज्यादातर कंपनियों स्पेयर पार्ट का प्राइस बताने वाला हूँ, कैसे आप उसका चेक कर सकते गाइस। क्या आपके पास भी एक Xiaomi का स्मार्टफोन है या फिर Samsung या फिर Oppo, Vivo, Realme किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और आपका भी स्क्रीन टूट गया है या फिर कोई भी पार्ट्स खराब हो गया है और आपका फोन वारंटी में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है और आप सोच रहे होगे कि एक स्क्रीन कहाँ से लगाए, बाहर से, लोकल शॉप से या फिर सर्विस सेंटर से? और शायद आपके मन में ये भी मिथ होगा कि सर्विस सेंटर में कॉस्ट ज़्यादा है, अगर मेरा वारंटी चला गया तो क्या कॉस्ट आएगा, कौन सी फ़ोन कंपनी का सर्विस सेंटर अच्छा है या फिर सर्विस सेंटर में जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो जेन्युइन है कि नहीं। सो यही सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो हे गाइस, ट्रैक्टर हंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन, और उसका स्क्रीन टूट गया है लेकिन वो फोन वारंटी में है, गाइस आप बेझिझक उस फोन को ले जा सकते हो सर्विस सेंटर में। अगर वारंटी में रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्क्रीन ठीक कर देगा। लेकिन ज्यादातर टाइम किसी फोन में वारंटी क्लेम नहीं होता है क्योंकि उस फोन में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि इस फोन का अगर स्क्रीन टूटेगा तो ये सर्विस से क्लेम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात आप ध्यान रखना, अगर आपका फोन लिक्विड डैमेज यानी कि अगर पानी में गिरने से या फिर पानी में भीगने से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 90% ऑफ द फोन में ये रिकवर नहीं होता है। अगर फोन आपका वारंटी में है या फिर वारंटी आउट है, सर्विस का जो भी कॉस्ट है आपको देना पड़ेगा। सो इसीलिए आप फोन ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना। एंड गाइस, अगर आपका फोन वारंटी में है और आपका फोन में कुछ डैमेज हुआ है जो कंपनी की तरफ से क्लेम हो सकता है तो आप जरूर जाइए, वारंटी में रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फोन का जो पार्ट्स खराब हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो इसके लिए टाइम लग सकता है। गाइस, आपके मन में शायद ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि मैं जो पार्ट सर्विस सेंटर में लगाता हूँ क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो जेन्युइन है? आपके मन में ऐसा सवाल आना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्विस सेंटर से अगर आप फोन को सर्विस कराओ तो अगर वो लोग बिल नहीं देता है, अगर बोलता है कि सर्विस हो गया है, बिल नहीं दे रहा है, कोई भी बहाना कर रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका शायद कोई भी पार्ट जेन्युइन नहीं हो सकता है क्योंकि वो लोग बिल नहीं दे रहे। अगर पार्ट जेन्युइन है तो सर्विस सेंटर वालों को आपको बिल देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका प्रूफ है और आपको एक वारंटी भी देगा कि 3 महीने तक अगर ये खराब होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो ये आपका हक बनता है कि आप उनसे बिल मांगो, ठीक है? तभी वो वारंटी है कि नहीं आपको पता चल जाएगा या फिर प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। ज्यादातर टाइम सर्विस सेंटर में आपको जेन्युइन चीजें ही मिलता है। ये कई कई लोगों के अंदर मिथ है कि सर्विस सेंटर में शायद कोई पार्ट डुप्लीकेट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो बिल देता है तो वो जेन्युइन है, ठीक है? एंड किसी किसी पार्ट जैसे कि आपका मानो फोन का स्पीकर खराब हो गया या फिर फोन का जैक खराब होगा, ये बाहर मिलता है वो सर्विस सेंटर में सेम ही मिलता है। अगर ये सब पार्ट खराब होता है तो आप अच्छे शॉप से करवाना जो काम अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है? ऐसे वैसे नहीं, कोई भी शॉप में नहीं जाना, जो अच्छी तरीके से जानता है उसके पास ही जाना, बट तभी जाना जब आपका फोन वारंटी आउट है, ओके? अगर वारंटी में है तो फिर सर्विस सेंटर जरूर जाइए। एंड डिस्प्ले में से ज्यादातर टाइम आप सर्विस सेंटर में लगाओगे तो डिस्प्ले जेन्युइन क्वालिटी का मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, आपके पास जो भी कंपनी का स्मार्टफोन है, कोई सा भी मॉडल है, आपका फोन का वारंटी आउट हो गया है और आप सोच रहे हो कि अगर सर्विस सेंटर जाए कौन सा पार्ट्स, अगर कोई कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, बैक कवर या फिर कुछ भी खराब हुआ है तो उसे रिप्लेस करना चाहते हो लेकिन आपको पार्ट्स का प्राइस पता नहीं है, तो आप सोच रहे हो कि सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो लोग अगर कुछ भी बोल देते हैं तो आप कैसे सच मान लोगे कि यही पार्ट्स का प्राइस है? तो गाइस, यही आज का स्मार्ट टिप है। तो आज मैं आपको ज्यादातर कंपनियों स्पेयर पार्ट का प्राइस बताने वाला हूँ, कैसे आप उसका चेक कर सकते हो, आप घर बैठे चेक कर सकते हो ऑनलाइन में। तो कैसे चेक कर सकते हो ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ओप्पो कंपनी का, ठीक है? ये ट्रिक गाइस आप आपके मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। आपके मोबाइल में क्रोम तो शायद जरूर होगा, तो क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है ओप्पो स्पेयर पार्ट्स। सो सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है support oppo.com, इस पे आपको जाना है। एंड इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे दिखा रहा है आपको फोन और यहाँ पे दिखा रहा है मॉडल नंबर। तो फोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड हम अब मॉडल नंबर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास रेनो का सीरीज है तो मैं रेनो सीरीज चूज करूंगा एंड रेनो में मेरे पास है रेनो 6 Pro 5G। तो ये देखो, लिखने के बाद ये आ गया है। स्क्रीन का प्राइस है 11,990 रुपए, मदरबोर्ड का प्राइस है 21,990 रुपए, बैटरी का प्राइस 1,690 रुपए। तो कुछ ये था ओप्पो कंपनी का। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ रियलमी कंपनी का स्पेयर पार्ट प्राइस। रियलमी स्पेयर पार्ट ये लिखने के बाद आपको ऊपर जो www.realme.com देख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको आ जाना है।
एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सी, जैसे मेरे पास हैंडसेट है तो मैं हैंडसेट सिलेक्ट करूंगा। आप जो भी चीज का स्पेयर पार्ट देखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम हैंडसेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कौन सी मॉडल नंबर है, तो हमारे पास है रियलमी 9 Pro Plus 5G। तो ये रियलमी 9 Pro Plus 5G एंड चेक पे हम क्लिक करेंगे और ये देखो यहाँ पे सारा का सारा चीज आ गया है। मदरबोर्ड का प्राइस सबसे पहले लिखा है लगभग 16,000, बैक पैनल का प्राइस 1,090 रुपीज, बैटरी 1500, फिंगरप्रिंट सेंसर 590 रुपए। रियलमी का गाइस सबसे बेस्ट है क्योंकि छोटा छोटा पार्ट्स का भी ये प्राइस दिखा देता है, जैसे ओप्पो का फिंगरप्रिंट एमोलेड डिस्प्ले दोनों का ही फिर भी नहीं दिखा रहा था। ये देखो कैमरा में ये पार्ट पर करके दिया हुआ है, स्क्रीन 6,190 रुपए का ओनली एमोलेड डिस्प्ले है फिर भी। तो गाइस ये सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर आपका ओप्पो का फोन का शायद अगर पीछे का कैमरा अगर कोई भी एक खराब हो जाता है तो पूरा ही पार्ट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाया है, जैसे मैक्रो मेन वाइड एंगल सब दिखा रहा है। सो ये मेरे को बेस्ट लगा। एंड आप मैं बताने जा रहा हूँ वीवो कंपनी का स्पेयर पार्ट प्राइस। वीवो स्पेयर पार्ट लिख के सर्च करते हैं www.vivo.com स्पेयर पार्ट प्राइस, ऊपर सबसे लिखा रहा है। तो लगभग प्रोसेस सभी सेम है, सो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास है वीवो V23 Pro 256 12GB वेरियंट, हाँ यही है। तो देखो यहाँ पर भी स्क्रीन असेंबली प्राइस मतलब स्क्रीन का प्राइस है 9,500 का है एंड मदरबोर्ड का प्राइस 18,500, बैटरी कवर मतलब बैक कवर ही है जो बैक पैनल होता है, बैक पैनल का प्राइस है 3200 रुपए, फ्रंट कैमरा 2250। सो ये था वीवो कंपनी का। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे कंपनी की तरफ, MI spare parts MI.com। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम पोको F1 सिलेक्ट कर लेंगे या फिर यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है या फिर कोई भी कंपनी का, जैसे रेडमी 9A 9 ऐसे बहुत सारे चीज है, Xiaomi का टीवी है, पोको F1 सिलेक्ट कर लेंगे। सो इसका दिखा रहा है बैटरी का प्राइस 1900 लगभग 2000 रुपए, मदरबोर्ड 8256 वाला 999 पे 10,000 रुपए एंड 6064 वाला 8199 रुपए। तो इसमें बहुत ही डिटेल्स कम है क्योंकि ये पुराना फोन है, तो इसलिए। तो अब हम कुछ नया सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमारे पास MI 10 है तो इसका सारा स्पेयर पार्ट दिखाया जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ एंड अब चलते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग स्पेयर पार्ट ये लिख के सर्च करेंगे हम और फिर यहाँ पे प्राइस आपको दिख जाएगा। तो फर्स्ट जो वेबसाइट है www.samsung.com, इसी वेबसाइट में आपको जाना है। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो मॉडल में हम चूज करेंगे गैलेक्सी नोट सीरीज चूज करेंगे एंड यहाँ पे नोट 20 अल्ट्रा, नोट 20 कुछ भी आप चूज कर सकते हो, जैसे हम नोट 20 अल्ट्रा चूज करेंगे। और इसका डिस्प्ले कंपोनेंट का प्राइस एंड रिपेयर कॉस्ट लगभग 16,000 का आपको पड़ेगा एंड बैक ग्लास 3,300 रुपए का। ये स्पेयर पार्ट है सैमसंग का, बहुत ही महंगा। तो अब दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। सो अब चलते हैं मोटोरोला की तरफ। मोटोरोला स्पेयर पार्ट्स। तो मोटोरोला लिख के सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रहा है इस पे आपको जाना है। इस लिंक के जाने के बाद आपको के पास कोई भी मॉडल है उस मॉडल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमारे पास है मोटोरोला S30। सो गाइस यहाँ पे S30 का टच डिस्प्ले का पैनल का प्राइस है 7,785 रुपीज, मदरबोर्ड का प्राइस 19,169 रुपीज, चार्जर है 837 रुपए का एंड बैटरी 1100 रुपए लगभग, यूएसबी केबल बैटरी लगभग 1200 रुपए, यूएसबी केबल 245। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, कैमरे का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो गाइस ज्यादातर कंपनी का जो स्पेयर पार्ट प्राइस चेकिंग है तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप चेक कर सकते हो एंड आपको सच में पता चल जाएगा कि कैसा प्राइस है स्पेयर पार्ट्स का। एंड जो वो सर्विस करते हैं तो उसका सर्विस चार्ज ज्यादातर टाइम 180 से 200 रुपए का होता है एंड स्पेयर पार्ट का प्राइस आपको पे करना पड़ता है, उसमें इंक्लूड होगा सर्विस चार्ज एंड स्पेयर पार्ट का प्राइस। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आज के बाद अगर आपका फोन खराब हो जाता है तो आप जरूर से जरूर सर्विस सेंटर में भेज दीजिए, ठीक कराने जाइए, क्योंकि आपको तो स्पेयर पार्ट का प्राइस पता ही चल गया। एंड आने वाले कुछ दिनों में एक ओप्पो कंपनी का एंड एक Xiaomi कंपनी का फोन है, उससे दोनों फोन को सर्विस कराने लेकर जाऊंगा और उसका सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस सारे वीडियोस को देखने के लिए टेक ड्रेजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ये स्क्रीन में पॉपअप हो रहा है, तो यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.